31 मार्च रविवार की छुट्टी के दिन भी देर रात तक जिला पंजीयक कार्यालय खुला रहा। जिला पंजीयक प्रवीण मेहता एवं उप पंजीयक ओम पाटीदार ने द्वारा बताया गया, जिले के पंजीयक कार्यालय में वर्ष भर दस्तावेजों का पंजीयन किया गया, जिससे लगभग 53.50 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष से अधिक रेवेन्यू प्राप्त हुआ, पिछले वर्ष से लगभग 50 करोड़ प्राप्त हुए थे। दरअसल कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग के निर्देशन पर जिला उपपंजीयक कार्यालय सहित जिले के स्थित पंजीयक कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक दस्तावेजों के पंजीयन कर लगभग 53.50 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ, पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं जिला पंजीयक प्रवीण मेहता ने बताया कि बड़वानी, सेनवा, राजपुर, पानसेमल, वरला में मार्च माह में अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुला रख दस्तावेजों का पंजीयन किए गए। 31 मार्च को 110 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया। सर, मार्च महीने की आखिरी तारीख चल रही है, अब तक कितना वर्क आउट किया गया? सर, इस पूरे वित्तीय वर्ष में हमारे सभी उपपंजकों कार्यालय द्वारा बड़वानी, सेंधवा, राजपुर, पानसेमल, वरला, जो पांचों उपपंजक कार्यालयों में पूरे वर्ष जो दस्तावेजों का पंजीयन हुआ, उस आधार पर लगभग 53.5 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू प्राप्त हुई है। इस वर्ष हमारे माननीय जिलाधीश श्री डॉक्टर राहुल हरिदास जी सर के मार्गदर्शन व उनके नेतृत्व में हमने पिछले वर्ष से अधिक रेवेन्यू प्राप्त करी है। पिछले वर्ष लगभग 50 करोड़ के आसपास प्राप्त हुई थी, इस बार 53.50 करोड़ की लगभग प्राप्त हुई है। सिर्फ आज ही के दिन लगभग सभी तहसीलों और बड़वानी जिले में मिलाकर 110 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है और हमारे यहाँ के सभी उपपंजीयक व अधीनस्थ कर्मचारीगण संपूर्ण मार्च माह में बिना कोई भी एक अवकाश लिए, सिर्फ होली के दिन हमारा कार्यालय बंद था, बाकी पूरे टाइम कार्यालय खुला रहा और जनता की सेवा करते हुए राजस्व एकत्रित किया जा रहा था। शासन के लिए अधिक से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन किया जा रहा है।